नमस्कार आदाब दोस्तों। दोस्तों मोदी सरकार के खिलाफ कृषि कानूनों को लेकर के जिस तरह से किसान आंदोलन जारी है, इस बीच खबर आ रही है कि किसानों ने अब मोदी सरकार को लेकर के एक और बड़ा ऐलान कर दिया है। मोदी सरकार के खिलाफ बड़ा ऐलान किसानों ने किया है। आप सभी जानते होंगे सोशल मीडिया से लेकर के तमाम जगहों पर यह अफवाह फैलाई जा रही है कि किसानों ने अपना प्रदर्शन खत्म करने का ऐलान कर दिया है। वैसे कई न्यूज चैनल, मेन स्ट्रीमिंग मीडिया के चैनल भी ये बता रहे हैं कि किसानों की एक मीटिंग होने वाली है, उसमें किसान अपने आंदोलन को खत्म करने का अनाउंसमेंट कर सकते हैं। लेकिन उन गोदी मीडिया के चैनलों को किसानों ने जोरदार तमाचा मारते हुए कृषि कानून वापस लेने के बाद भी तीन और मांगों को लेकर के मोदी सरकार के खिलाफ एक बड़ा ऐलान किया है। क्या है आगे विस्तार से बताएंगे, उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट दोस्तों, किसान आंदोलन के बारे में आपकी अपनी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। सबसे पहले हम आपको बताते हैं, राकेश टिकैत ने यह स्पष्ट कर दिया कि जो लोग सोशल मीडिया से लेकर के मेन स्ट्रीमिंग मीडिया में बैठ करके यह अफवाह फैला रहे हैं कि किसान अपने आंदोलन को खत्म कर रहे हैं, वो पूरी तरह से झूठ बोल रहे हैं। राकेश टिकैत ने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है कि फिलहाल किसानों का प्रदर्शन आंदोलन खत्म नहीं होगा। तीन और ऐसी मांगे हैं जिन पर किसान अभी भी मोदी सरकार के खिलाफ अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। इसके बाद तुरंत बाद गुरनाम सिंह चढ़ूनी जो कि किसान नेता हैं, उन्होंने भी ऐलान कर दिया है कि हमारा आंदोलन खत्म नहीं हो रहा है। कुछ लोग सोशल मीडिया से लेकर के मेन स्ट्रीमिंग मीडिया तक यह अफवाह फैला रहे हैं कि किसानों ने अपने आंदोलन को खत्म करने का ऐलान किया है, ये पूरी तरह से झूठी खबर है। हमारा आंदोलन अभी तीन मांगों को लेकर के और है। किसानों ने जिन तीन मांगों को लेकर के अपने आंदोलन को जारी रखने की बात कही है, उसमें से सबसे पहली मांग है MSP पर गारंटी, दूसरी मांग है किसानों पर दर्ज FIR वापस ली जाए, और जो दूसरी तीसरी मांग यह है कि आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों को मुआवजा जब तक नहीं मिलता तब तक वो इसी तरह से अपना प्रदर्शन, अपना आंदोलन मोदी सरकार के खिलाफ जारी रखेंगे। अब देखना यह है कि आगे इस पर क्या होगा। आपकी अपनी क्या राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर।